नजरिन आदाब पेश खबर बड़ खास खबरन पे अख नजर भून यार वोर वाना सड़क हादसे आठ नफर आज जान सात दुम जख्मी पत्मे वरी कर भारतन थकिन लायक हसूलियत भी दर्ज पार्लियामेंट किस बजट इजलास सदर जमहूरिया सुंद खिताब पार्लियामेंट मेम्बरन बजट इजलास कामयाब बनावनुक वजीर आजम सुंद बांद बांद मौसमियात महकम पेशगोई नजर तल थवित इंतजामिया मुतहरिक पेश खबरन हज तफसील आज अकिस वनाक सड़क हाद वर्मुल जिले किस बूनियार वोरि इलाकस में सपद आज अकिस वनाक सड़क हादसस मज आठ नफर मारे सैन नुमाइंदन खबर दिसमुस जे अख मुसाफिर गाड़ गई बूनियारस नक ड्राइवर सिंदि कोबू नेबर तो आई श्रेनि खाई मज लाइन अत हादसस मज सपद मौकस पे सत नफर मारे यल जन सत दुम जख्मी सपद हादस खबर मिलती वत पुलिस तो सिविल इंतजामी हाकिम जाए वारदात पे तो कर्क बचाव कार्रवाई शुरू जख्मी आई जी एम सी हस्पताल वर्मुल वातन ये ब्याा जख्मी फौत सपुद इथन हादसस मज मरन वालन हूं तदाद अठन तम वोमुत वन दोन जख्मियन हज हालत नोजुक दौरान गई वर्मुल डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा जी एम सी वर्मुल ये तमो हादसस मज जख्मी नफरन खबर अतर हिज तमो दख्मियन पेथ मुमकिन तबी सहूलियत याफ थवन हिदायत अमे अलावा गई तम बूनियार हादसे जाए तो हिचक सूरत हालत साम पार्लियामेंट बजट इजलास सपूद अजक पे शुरू सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून वोन पार्लियामेंट कैन दशवन ऐवान हंदिस मुश्तरक इजलास खिताब करान जे भारतन पतमिस अकिस दहलिस दौरान कौमी मफाद च तिच काम करमन लूख प्रारान तमो वोन जे अयोध्यास मज राम मंदिर के तमीर सत सपदुत मुल्क कैन लूकन हुंद ख्वाब पूर सदर जमहूरियन कर दफा 370 च मनसूखी तो त्रेन तलाकन पे पाबंदी लगान अलावा सरकार तरफ करना आमतन दोयमन इकदामन हंज जिक्र मिशन चंद्रयान तो G20 जिक्र करान वोन तमो जे पतम वरी रूद भारत बापत काबिल फख्र हसूलियबियन हुंद वरी द्रौपदी मुर्मून वोन जे तरक्की याफ्त भारत इमारत सपद नौजवान हंद ताकत जनानन हंज शिरकत कुमरन तो गरीबन पे कायम वजीर आजम नरेंद्र मोदियन वोनमुत पार्लियामेंटस नस्बत बेलोस खदमत अंजाम दिन वालन करन सारी लूख याद बजट इजलास ब्रो पार्लियामेंट किस सहनस मज मीडियास खिताब करान वोन वजीर आजमन ऐवान च कार्रवाई दौरान बिला वजह हंगामा आरई करन वालन मेम्बरन पजि पानस हिसाब हुन तमो दुत सारनी पार्लियामेंट अरकानन पे जोर जम कर इजलास कामयाब बनावने बापत पनुन रोल अदा यह कथ काबिल जिक्र खजान वजीर निर्मला सीतारमन कर पगह पार्लियामेंटस मज अबूरी बजट पेश बजट इजलास रोज नईमिस फरवरी तम जारी नाजरीन खबरन हूं बुलटिन जारी गोड़ वक्फ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ। हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बन। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजो की बोल आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कश्मीर, एक नाम एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है इसके हर घोषे में, इसके हर पहलू में। कभी ये झलकती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, कभी मेहमान नवाजी के जायके में। यही पहचान है यहां के कारीगरों के जादू में, मौसीकी की कशिश में, मोहब्बत की गर्माहट लिए कहवे के रंग में। और यही पहचान है यहां के हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
जम्मू कश्मीर में बिजली हिंस बढ़वी मांग पूर करने बापत से एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रूफ टॉप सोलर एनर्जी स्कीम मुतारिफ करमच यमकिन सूरत हालस में बेहतरी दर्ज करने यवान छे जे के ई डी ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वोन दूरदर्शन न्यूज़ जे वुनकन वादी में साढ़न त्रेन सासन खुत ज्यादा रिहायशी मकानन तो अल पल दोन सासन सरकारी इमारतन पशन पे सोलर पैनल नसब करना आमच। आजकल का बड़ा कंसर्न है कि हमें हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आती है, तो इससे काउंटर करने के लिए, इसे कॉम्बैट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने हमें सोलर रूफटॉप स्कीम दी है, सो दैट जो लोग हैं वो अपनी घर की छतों को इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके, उन पे सोलर पैनल्स लगा के एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बने। तो मैं यही आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी ऑनरेबल पीएम की ओर से भी इसको बहुत तरजीह मिल रही है और सब्सिडाइज्ड भी है, तो अभी सही मौका है, उनको आना चाहिए और इसके फवायद जो भी है तो उनसे बेनिफिट होना चाहिए। अमि स्कीम नश फायद तुलन वे लूख तूरत हाल में बेहतरी इन पे इतमान बावान। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशाह इंद्राबी दि आज खान यार पीर दस्तगीर सबस आस्थान आलिहस पे हाजिरी तमो ते कैचन तरक्याती प्रोजेक्टन कनकन तमो वो वक्फ बोर्ड जियारत गहन खानकहन तो दोमन इबादत गहन मज अकीदत मंदन बापत सहूलत आयतन थावन बापत मुनासिब कदम तुलान। अथ दौरान दिस डॉक्टर दरकशाह इंद्राबी वोंदपोर हजरत सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैहन हंदिस आस्थान आलिहस पे हाजिरी तो हेतुक तति जारी तमीरती कामन हुंद जायजा। अकिस इजतिमास खिताब करान वोन तमो जे वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर ची सकाफती वरासत तहफ़ुज़ फराहम करनुक वादे बंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पतिमन दोहन जारी खुशक मौसमी सूरत हाल पे मायूसी बोमुत पार्टी हेडक्वार्टर पे जारी एक बयान में वन आमुत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यम आजकल उमरा करने के सिलसिले में मदीने शरीफ से जम्मू कश्मीर में मौसमी तब्दीली खातिर दुआ कोरमुत अंदर फारूक अब्दुल्ला वोरी हिंदिस हादसस में इंसानी जू जाय सपदनस पे दोख बोमुत पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासिनन तु अत हादसस पे दोख बोमुत। महकमे मौसमियात पेशगोई नजर तल थ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटन रूद या शीन सत पैद सपदन वालस मुमकिन सूरत हाल अंदबुर दिन बापत तमाम इंतजाम मुकम्मल करम महकम चीफ इंजीनियर शफात जीलानियन वोन दूरदर्शन न्यूज़ जे कशीर हिंदन सारनी दहन जिलन मज शीन हटाने की 300 मशीन तैयार थाना आम ये जन महकम अहलकार मुतहरक करना आम ये जो मैकेनाइज्ड स्नोकनर से पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेता है। उसके लिए जो हमारा जो मशीनरी कंपोनेंट इस टाइम है ये लगभग 300 के आसपास इस साल हमने इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किए मशीन्स जो हमारे पास अवेलेबल है, तो इन मशीन्स को हमने अलग अलग जोन्स में और अलग अलग कंट्रोल रूम्स में तैनात किया हुआ है और राउंड द क्लॉक वहाँ पे हमारा स्टाफ भी तैनात रहता है जो मैकेनाइज स्नोकरेंस जिस रीजन में स्नोफॉल होगा उस रीजन उस एरिया में वो इंस्टेंटली स्नोकरेंस के लिए निकल पड़ते हैं। मौसम पेशगोई नजर तल थ कुलगाम जिले इंतजामियान कुन तूरत हाल मुकाबल करने बापत तैयारी मुकम्मल करम जिले डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खानन वो दूरदर्शन सत करान हसास इलाकन मज नवीन शीन हटावन वाजन मशीन अफरादी कुवत तैयार थाना आम तमो वो जिले कन हस्पतालन मन दवान हज कमी तो पूर जिलस मज जरूरी चीजन हुंद वाफर स्टॉक मौजूद। पूरे जिले भर में सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। हमारे यहाँ जहाँ तक स्नो क्लियरेंस का सवाल है लगभग 1300 किलोमीटर की रोड लेंथ है जिसको क्लियर करने की जरूरत पड़ती है बिसाइड्स माइनर लेन्स एंड स्मॉलर रोड्स। इस बार इनफैक्ट हम लोगों ने म्यूनसिपल कमिटीज को डायरेक्शन भी दी है कि वो डी आइसिंग सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे जब भी कहीं पे फ्रॉस्ट या ऐसी स्लिपरी कंडीशंस होंगी। इसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी मिनी सेक्रेटेरिएट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम बनाया गया है दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स राउंड द क्लॉक यहाँ पे मैन कर रहे हैं, उनकी भी प्रॉपर जो है असाइनमेंट्स हैव बीन इशूड। अथ दौरान बचो पुलिसन कुलगाम दर्द जहस मज मुबतला अकिस जनानी हुंद जू शफा खान वातनवित
नुमाइंदन इतला दिमुत पुलिस मोल जिल के अके दूर दराज इलाक धनव कंडी मर्ग पे इतला जत खोतून दर्द जहस मज मुबतला शीन कन हस्पता वातन नामुमकिन बनोमुत पुलिस कर् इतला मील थी जरूरी कार्रवाई तो वातन यह जनान वक्त पे शफा खान कशीर हिंद नाजम ज़रात चौधरी मोहम्मद इकबालन कोर आज अनंत नागुक दौरे कर सिरहाम लेवेंडर फार्म मुआयन तो हिचक तति काम कार साम तमो वोन ज़रात तो अत मुनसलिक शोबन तरक्की बापत कुनत्रहन स्कीमन पे मुश्तमिल जामिया मनसूबा अमलावान पत् दिस मीटिंग दौरान तमो अफसर हिदायत जम बन महकम तरफा अमलावान तरक्की प्रोजेक्टन वक्त पे तकमील यकीनी नाजिमि सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रथरन कोर आज जिल हस्पताल बड़गामस मज एच आई वी टेस्टिंग लेबार्ट्री इफ्तिता अत मौक पे सेहत महकम के आला हाकिम त मौजूद तुम चतस अत लेबार्ट्री नेशनल एड्स एंड कंट्रोल सोसाइटी तरफ तारीफी सनद मीजम अत मौक पे आई लेबार्ट्री अमल सर्टिफिकेट मेडल तो मोमेंटो दिन गांधरबल जिले के कैंसन स्कूलों हिंद तलब इलम आए आज भारत दर्शन टूरस पे रवाना करम तलब इलम आई जम्मू कश्मीर पुलिस के अहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत अके हफ्त बापत टूरस पे सोजन अत सिलसिल मज कर आज सुबह गांधरबल मुनद अकिस तकरीब पे जिल एस एस पी संदीप गुप्ता यम तलब इलम जंड हवित रवान तमो कलब इलम बंद बंद जम तुलन अमि टूर निश पूरे पूर फायद तो प्रविन मुल्क कफत तो तारीखस मुतलक जानकारी अनंत नाग जिल वादी मज दुद कस पैदावार अंदर खुद कफालत प्रावनस तो पुलवाम जिल पथ त्रावनस मज गुक जिल बनोमुत अम जिलन न्यू आनंद ऑफ कश्मीर खिताब हासिल कोरमुत दूरदर्शन न्यूज सत कान वो जिल चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर जावेद अहमद जरगरन जिलस अंदर प्रेत वरी जिल शुहठ सास त्रे हथ पंच टन दुद पैदावार सपदान यन पुलवाम जिलस मज सिर्फ जिल दुहठ सास नौ शत पंच टन दुद पैदावार दर्ज कर तो यही है जो हमारे आईडीएस यूनिट्स हैं उसके बाद जो हम इसमें जो लॉजिस्टिक्स देते हैं मिल्किंग मशीन्स देते हैं रेफ्रिजरेटेड वैन्स देते हैं या गाड़ियां देते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम विलेज टू अदर पॉकेट्स या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जैसे पहलगाम हो या चाहे उनको टाउन में लाना हो प्लस इसके अलावा जो एटीएम हमारे जो मिल्किंग मशीन्स है जो उन्हें इंस्टॉल की हैं किसी ने गाड़ी पर रखा है एटीएम मशीन किसी ने इसको अपने ही जगह पे जहाँ उसका यूनिट है वहीं उसने बाहर लगाया है तो ये सारे फैक्टर्स मिलके इन्होंने हमारी दूध की पैदावार को आगे बढ़ाया है। डेरी हिंद शोब सबस्त एक कुमिल वो जिलस मज दुध के हुरवन पैदावार नौजवान खतर रोजगार वसाइल पैद सपदान मेरे को चार यूनिट सेंक्शन होके मैंने फिर अपना ये यहाँ पे डेयरी फार्म खोला इससे मैं दूसरे बंद को भी मतलब रोजगार मिलता है मेरी वजह से मतलब एक दो बंदे यहाँ पे भी काम करते हैं उनको भी रोजगार मिलता है तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर यंग शर्स इन कश्मीर। फौज तो पुलिस कपवार किस मागम जंगल इलाक में तलाशी कार्रवाई दौरान भार मकदार में हथियार बरामद कोरमुत शख्स शेष वातने पत् कर सिक्योरिटी एजेंसियों अत इलाक में तलाशी कार्रवाई शुरू तो कर नौ यू बी जी एल चोर आई ई डी तो गोलन हिंद कह रोन बरामद पुलिस अत सिलसिल मजीद तहकीकत शुरू कोरमुत पुलवाम पुलिस चूरी हंदिस वारदात में मुलवस ज नफर गिरफ्तार कर तिंद कब्जे निश मकदार में चुर माल बरामद कोरमुत तफसीलों मुताबिक पुलिस जिल कैंसो इलाकों पे चूरी हिंद शिकायत मीजम यम पत पुलिस केस दर्ज कर तहकीकत शुरू कोर अत सिलसिल मे आरिफ हुसैन डार तो बशीर अहमद शेख नायब ज नफर हिरासत में निन आमित तो तिंद कब्जे निश चुर सामान बरामद सपदमुत बंडपोर कन बेशतर इलाकन में पे आज ताज शीन गुरेज तहसील कन कैंसन इलाकन में सपूद शीन पेन कि तारी मज हुर बंडपुर गुरेज वत पे वाका राजदान टापस पे पे आज ताज शीन यह सड़क गाड़ियन हिंद इन गस बापत बदस्तूर बंद मशहूर सियाती जाय पहलगाम अत अंद पक इलाकन में पे आज ताज शीन यम पत श्रीनगर मौजूद कहियो सालानों पहलगाम रुख कोर पहलगाम आव आज सालानन हूं बोड़ तदाद तत कौ नजारों निश हज तुलान व गुलमर्ग में शीन पेन सपद तारिया सरगर्मी शुरू सयाहत महकम डायरेक्टर तुल आज स्नो स्केटिंग मुकाबलन हूं दस अत मौक पे मकामी लूको अलावा सालानन हूं अख बोड़ तदाद त मौजूद
موسمیات محکمن پیشگوئی کرمز جموں کشمیر مز روز پگہ عام پا نب ابر ولت یل زن پیشن پتہ کن کن جائیں ہلکہ پھٹ درمیان درجک رود یا شین پیت ہیکہ موسمیات محکمہ ڈائریکٹر مختار احمدن وون دور درشن نیوزس یہ صورت حال روز ٹورمس فروری تام بنت یل زن پونچم پھٹ بہمس فروری تام موسم عام پا خوشک روز ایکسپیل خاص کر بارشوں کا برف باری کا ہوا پہاڑی علاقوں کے اندر کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال بھی ہوا خاص کر سونم اور جوجلا ایکسس میں جس میں لگ بھگ 2 سے لے کے 2.5 فٹ تک کی برف باری ہوئی کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر لگ بھگ 1 فٹ کے آس پاس خاص کر ڈسٹرکٹ کپوارہ اور ڈسٹرکٹ بانی پورہ کے جو ہائر حصے باقی گلمرگ کے اندر آلموسٹ 8 انچز کے آس پاس برف باری ہوئی ہے اسی طرح دودھ پتھری کے اندر بھی آپ کا جو 8 انچ سے لے کے 10 انچ تک کی برف باری ہوئی کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر باقی ساؤتھ کشمیر تو تھوڑی سی بارشیں کم ہوئی اور پہاڑی علاقوں کے اندر لائٹ سنو فال اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ عموماً ناظرین ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند دیو اجازت خدا حافظ